से आपके और चाहे तो आपके एजुकेशन की जिम्मेदारी ही है, क्योंकि पिताजी छोड़ के गए हैं, तो बहनों के एजुकेशन की जिम्मेदारी, माँ गाँव में रहती है, माँ को पैसा देता है, और खुद भी सीखने की कोशिश कर रही कि मुझे भी थोड़ा कुछ सीखे और आगे बढ़ना है। पीछे कौन है जी? आइए जी, हमारी है उम्र में भी, ये भी बहुत छोटी है लेकिन दो बच्चों की माँ है, क्योंकि वो समय भी ऐसा था कि अभी भी वही सोच है कि बच्चों की शादी करके दे दो तो एक जिम्मेदारी सौंप दे, तो हैंडीकैप है हस्बैंड लेकिन बांध दिया गले में, चल भाई शादी हो गई। आज ऐसे आदमी के साथ संसार करते करते दो बच्चों का एजुकेशन है, यहाँ पे काम करके बच्चों के एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा आगे रहता, बच्चा गया क्या स्कूल, ट्यूशन गया क्या, आया क्या, उधर सारी चीज़ें देखती है। शाहजा जी है, सिंगल पेरेंट्स है, ये सिंगल पेरेंट है, दो लड़के हैं इनके, इनका भी बोला था कि हस्बैंड भाग गए और उनके ऊपर वो जिम्मेदारी आई तो भाड़े का भरना है, भाड़ा भरना है, तो काम करके बच्चों का एजुकेशन वगैरह सब फोकस करके अपने आप को संभाल रही है। ये हमारी नुकसान है, शी इज़ ऑल्सो सिंगल पेरेंट। आदमी इतना वो मुभा है कि भाई अच्छा बच्चा बीमार है, चलो मैं ये करके मैडम निकलती हूँ, वो ऐसे आपकी CRPL नहीं होती है, वो कोई छुट्टी पे ही नहीं जाएगा भले कितना भी प्रॉब्लम हो, वो उनको पता है यहाँ प्रॉब्लम है ना, क्योंकि मैं नहीं जाऊँगी तो इतना बर्डन हो जाएगा, तो मैं थोड़ा ये निपटता हूँ फिर मैं वो थोड़ा निपटता हूँ, मतलब ये जंपिंग जैक चलता है। और आप सब इतने लकी हो कि आप सबको एक दूसरे का साथ, सपोर्ट, एक सिस्टरहुड है ना, एक दूसरे में इतना प्यार, मैं रो रही हूँ कि आपकी टीम बहुत ज़्यादा बढ़िया, तो इतना अच्छा काम कर रही है। दूसरा अपना जो प्रोजेक्ट चलता है जिसमें डेवलपमेंट किया, तो हमने भी कॉन्सेंट्रेट किया 2022 से, एक टीचर में हम कितने जन को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, व्हाट नेक्स्ट, वो व्हाट नेक्स्ट में हमने तो सोचा था कि कुछ ऐसा होगा बच्चों के हाथों में किया जाए जिससे वो आइए बाहर जाके कुछ कमाए, आइधर अपने घर से कुछ कमाए। दो प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किए, जिसमें टेलरिंग था और ब्यूटिशियन था, तो ये मेरी एक बेटी है अपनी, वो क्या है, बहुत ही स्किल ट्रेनर है, ब्यूटिशियन है, वो मेकअप आर्टिस्ट है, वो तो उनको हमने रिक्वेस्ट किया था आगे हमारे गरीब बच्चों को आगे थोड़ा सा सपोर्ट करो, हमारा कुछ एक्सपेक्ट किए उन्होंने, कम से कम अभी तक 110 लड़कियों को ब्यूटिशियन का कोर्स सिखवाया है, और उसके बाद बहुत सारी बच्चियाँ जो अपने घर से ही मेकअप का करते हैं, क्योंकि भले ठीक है बाहर जाके बच्चे हैं जिन्होंने कैसा है कि आज ग्रेजुएशन लेवल पे है लेकिन अर्न एंड लर्न कर रहे हैं, तो मेरी बच्ची कहीं काम भी कर रही है, क्या काम कर रही है? हाँ जी, आप बोलिए, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। क्या काम कर रहे हो? नर्सिंग में। और आप क्या क्या कर रहे हो? वो इंग्लिश इंग्लिश मेरे से भी बेहतर बोल रहे हैं और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे बच्चे इतने लेवल पर बात करते हैं। आदर्श की ये टीम है कि जिनको कुछ बदलाव लाना था, और ये एक ऐसी टीम है जिन्होंने आदर्श का हाथ थामा, और मैं कहूँगी आप वो लोग हो कि जो इन सब चीज़ों को थोड़ा बढ़ावा देने के लिए हमसे जुड़ेंगे। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट टाइम वेरी वेरी हैप्पी मेरा इंट्रोडक्शन आप आपने आ रहा हूँ
आगे आ जाओ। आगे Thank you.
Thank you.